बिहार में फिर से बीएड कॉलेज के प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी मिथिला यूनिवर्सिटी को राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय द्वारा नोडल विश्वविद्यालय के रूप में नामित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा द्वारा 2 वर्षीय सीटी बीएड शिक्षा शास्त्री और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2022 की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन और आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर स्थित जुबली हॉल में किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी वर्ष 2021 में 2 वर्षीय सीटी बीएड और शिक्षा शास्त्री में बेमिसाल 99.52% तथा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एफबीएस बीएड 2021 में 95% नामांकन कराने की सफलता प्राप्त की थी। जाहिर सी बात है, जो मुझ पर आरोप लगाया गया था वो किसी प्रतिशोध की भावना से लगाया गया था, क्योंकि बेस्ट कुलपति बिहार का अवार्ड दरभंगा के विश्वविद्यालय के कुलपति को मिले, ये थोड़ा बहुत सहज नहीं बनता है। किसी भाव को लेकर के उसी तारीख और उसी समय का चयन किया गया जिस तारीख 23 तारीख को मुझे बेस्ट वाइस चांसलर का अवार्ड माननीय राज्यपाल जी के द्वारा मिलना था, तो 22 तारीख की शाम को एक लेटर वायरल किया जाता है कि मैं दोषी हूं और मैंने ये घोटाला किया, मैंने ये काम किया है, जो सरासर झूठा और असत्य है, केवल मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। और जाहिर सी बात है, ऐसी न्यूज़ जब फ्लेयर अप होती है, इसका सम्मान जितना ज़्यादा होता है अपमान भी उसी का उतना ज़्यादा होता है। तो इस क्रम में सारा दायित्व तो मेरे पास था, उन्होंने ये काम किया, उनको मैंने लीगल नोटिस प्रक्रिया में दिया, कोई जवाब उन्होंने मुझे नहीं दिया, अंततः मुझे न्याय की शरण में। क्या किया है, चाहते क्या है, क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या किया आपने सर, और कहां न्यायालय में बात दाखिल किया कि मान मानने की मान माने कितने सर, तो हमने 5 करोड़ 10 लाख रुपए की नोटिस दिया था, क्योंकि इस तरह के संबंधों में दो तरह का केस चलता है, एक कंपनसेशन का चलता और एक क्रिमिनल केस चलता है, हमने उनके क्रिमिनल बात दायर किया। सर, माना जाए कि बिहार में कुलपति स्तर से ये पहला मामला होगा बिहार में कि एक कुलपति ने दूसरे तत्कालीन कुलपति पर केस दायर किया है कोर्ट में। मैं ये कैसे कहूँगा कि बिहार का पहला होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन एक जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये कार्रवाई होगी, अपने मान सम्मान के रखते हुए। इसको सर कोई पॉलिटिकल इशू भी आप देख रहे हैं क्या उनके पीछे? नहीं, राजनीति इसमें कहा, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उसका जवाब दिया, इसमें राजनीति कहाँ है? आप चाहते क्या है? नहीं भाई, जो जिसने उन्हें बेइज्जती किया उन्हें दंड मिलना चाहिए। विश्वविद्यालय को, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को, दरभंगा को, ये तीसरी बार राजभवन के द्वारा स्टेट लेवल पर बीएड एंट्रेंस टेस्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है, जो अपने आप में बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है, इस बार फिर ये दायित्व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को माननीय श्री राज्यपाल जी के द्वारा मिला है, हम उनके प्रति हृदय से पूरा विश्वविद्यालय आभार व्यक्त करता है, आभार क्योंकि ये पूरे बिहार राज्य की परीक्षा है और उसका दायित्व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पास है, तो ये इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, इसलिए आज आपके साथ हमने एक परिचर्चा रखी थी कि हम इसका श्री गणेश करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसकी उस प्रक्रिया में फॉर्म भरने की तारीख हम कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, एक अभी से सूचना सबके द्वारा पहुँच जाएंगे। सर, प्रक्रिया सर क्या कब से शुरू होगा? 24 देखिए, सूचना तो बहुत पहले हम दे देंगे, लेकिन जो प्रक्रिया इसके फॉर्म भरने का सबमिशन करेंगे वो 25 अप्रैल से करेंगे हम, और 25 अप्रैल से 17 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा बिना किसी लेट फीस, और उसके बाद 18 से लगा करके 21 तक लेट फीस के साथ एक ही साथ ये नोटिस दोनों निकाल दी गई है, जिससे विद्यार्थियों के बीच में कोई गलतफहमी ना रहे। जो आवेदन शुल्क है वो पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष का यानी 5 वर्ष पुराना शुल्क रखा गया है, उसमें कोई बढ़ोतरी विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं की गई।